हाँ पुलिस आई थी, हाँ तब लिख ली उन्होंने, अपने आप तो लिख ली उन्होंने भी, हमने नहीं लिखाया। हमारे तो राजा पूछ लेते नहीं बाहर, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहा राजा राम, अपने पिता का नाम उनको भी नहीं मत दो। कमाल है यूपी पुलिस, माने झूठ लोग कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड दुनिया की सबसे तेज पुलिस है। अरे एक बार मिल लीजिए यूपी पुलिस से, इनके सामने आप भी दंडवत न हो जाए तो कहिएगा। इतनी तेज पुलिस आपने कहीं नहीं देखी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हुआ ये कि 1 अक्टूबर को कानपुर के घाटमपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा होता है। हादसा इतना बड़ा था कि इसमें महिला बच्चे समेत कुल 26 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना को लेकर हड़कंप मचा और पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक राजू निषाद को मुख्य आरोपी बना दिया और उसकी तलाश में जुट गई। घटना और घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आए। उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा कर दी। वहीं पुलिस ने पिंकी नाम की लड़की की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली, वो भी ये कहते हुए कि पिंकी ने बयान दिया है कि आरोपी ड्राइवर शराब पी रहा था। यहाँ तक सुनकर आप समझ गए होंगे कि यूपी पुलिस से समझदार कोई नहीं है, लेकिन असली कहानी अब सुनिए। 1 अक्टूबर को घटना हुई और पुलिस ने 6 अक्टूबर को आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया कि वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस इस चार्ज को कोर्ट में कैसे फ्रेम करेगी, क्योंकि आरोपी 6 दिन तक गायब रहा, ना उसकी मेडिकल हुई और ना ही कोई रिपोर्ट आई। यानी उसने शराब पी थी या नहीं, इस बात को साबित करने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। पुलिस ने पिंकी नाम की जो शिकायतकर्ता के FIR पर आरोपी को गिरफ्तार किया है, वो साफ कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं कि कोई FIR हुआ है, मैं घर से कहीं बाहर गई ही नहीं। कहा जा रहा है कि तुमने FIR कराई है राजू और तीन लोगों के खिलाफ, जो लोग दारू पी के ट्रैक्टर चला रहे थे उसी के खिलाफ? नहीं, हमने कोई नहीं उनके खिलाफ कहा, वो हमको उनका बहाने का नाम भी तक नहीं पता था। नहीं, वो नहीं गए थे। तो आपने दारू पीते हुए ट्रैक्टर में देखा था क्या? नहीं, हमने नहीं देखा, हम पीछे बैठे थे। हमको नहीं पता है, पर ये FIR हमने नहीं किया है। ये हमको खुद नहीं पता है कि हम बच कैसे गए, हम उसी के ट्रॉली के अंदर घुसे थे, हमारे किसी ने बाल पकड़ के खींच के निकाला था। पिंकी के पिता से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने कोई FIR दर्ज नहीं करवाई है। नहीं, हाँ पुलिस आई थी, हाँ तब लिख ली उन्होंने, अपने आप तो लिख ली उन्होंने भी, हमने नहीं लिखाया। हमारे तो राजा पूछ लेते नहीं बाहर, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने कहा राजा राम, अपने पिता का नाम उनको भी नहीं मत दो, जो है इसीलिए तो वो है, और वही हमारे कागजों में काम है जहाँ जहाँ है ये सब। अब सवाल उठता है कि ड्राइवर का मेडिकल हुआ नहीं, कथित शिकायतकर्ता साफ मुकर रही है कि उसने कोई शिकायत नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि केस कोर्ट में दिग्गज वकीलों के सामने कितनी देर टिकेगा। केस में दूसरे गवाहों को मुआवजा मिलने के बाद क्या वो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए तैयार होंगे? अगर नहीं हुए तो आखिर 26 मरने वाले लोगों को क्या इंसाफ मिलेगा? सवाल बहुत है, लेकिन इस पर जवाब कौन देगा? इन सब सवालों का जवाब भले ही मिले या ना मिले, लेकिन फिलहाल SP साहब तो आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी से ही गदगद नजर आ रहे हैं। 2022 को साढ़ थाना अंतर्गत भीतर गांव रोड पर जो घटना हुई थी, इसमें 26 बच्चे और महिलाओं की मौत हुई थी। इसका जो मेन अभियुक्त था राजू सनाप छिद्दू निषाद, ये भागा हुआ था उसी दिन से। जो घटना का मेन जिसका रोल था, जिसने शराब पिया था और शराब पी करके ट्रैक्टर बेतहाशा चलाते हुए घटना कारित की थी, उसका मेन अभियुक्त कल पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और उसने घटना को एक्सेप्ट किया है कि उसने शराब पी थी, उसके साथी भी है, उनका नाम बताया है, जिनका नाम उसने बताया है, जो पहले से नामित भी हैं, और जिसका ट्रैक्टर प्रयोग हुआ है, जो ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए था, लेकिन उस ट्रैक्टर का इस सवारी ढोने में प्रयोग किया गया, उसका जो मालिक है वो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और साथ संकलित करके जल्दी विवेचना में चार्जशीट लगा करके और न्यायालय में आरोप प्रेषित किया जाएगा, जल्दी से जल्दी इनमें सजा दिलाएगी। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट।